शासित राज्यों की नाकामियां, घपले और घोटाले वो दूसरे राज्यों की सरकारों पर मर देते हैं। आज मध्य प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है? 225 महीनों की सरकार है और 250 घोटाले हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने लिखा, एक भी कागज नहीं दे पाए। कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि छत्तीसगढ़ की सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती? शिवराज सिंह चौहान ने कहा, रेप राजस्थान में होते हैं और प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश पर मर देती हैं। भाजपा प्रत्याशी जज्जी की तबीयत बिगड़ी, भोपाल किए गए रेफर। नमस्कार, स्वागत है आपका द खबरदार न्यूज चैनल में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को झूठा बताया। भोपाल में उन्होंने कहा कि दोनों भाई बहन लगातार झूठ बोलते हैं और इस कदर झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों की नाकामियां, घोटाले और घपले दूसरे राज्यों की सरकारों पर मर देते हैं। बलात्कार राजस्थान में होते हैं और प्रियंका गांधी उन्हें मध्य प्रदेश में मर देती हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को धार की सभा में कहा था कि उज्जैन में बच्ची का रेप हुआ, मध्य प्रदेश में हर रोज 17 रेप होते हैं। भाजपा प्रत्याशी ICU में भर्ती, सीने में तेज दर्द की शिकायत। अशोकनगर के भाजपा प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी की मंगलवार की सुबह अचानक से तबीयत बिगड़ गई। उनके सीने में तेज दर्द होने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल ICU वार्ड में उपचार किया जा रहा है। वह सुबह के समय राजपुर में सिंधिया की जनसभा में जा रहे थे, इसी दौरान अचानक से तेज दर्द होने लगा। इसके बाद परिजन जिला अस्पताल लेकर आए। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए भोपाल रेफर कर दिया है। सचिन पायलट बोले, मध्य प्रदेश में जनता भाजपा से थक चुकी है। राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जबलपुर में कहा कि जनता भाजपा से थक चुकी है और परेशान होकर छुटकारा पाना चाहती है। MP के मन में मोदी नारे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के MP दौरों पर कहा कि PM कर्नाटक और हिमाचल भी कई बार गए थे। हर चीज की एक सीमा होती है। पायलट आज कांग्रेस के 3 प्रत्याशी लखन घनघोरिया, राजेश पटेल और एकता ठाकुर के समर्थन में जबलपुर पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भोपाल में कहा कि कांग्रेस की गारंटी कांग्रेस की तरह झूठी है। ED हाथ में आ गई तो कांग्रेस सिर्फ अपने मुकदमे खत्म करेगी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा, कहा कि कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि छत्तीसगढ़ की सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती थी, केवल पैसे वसूलने के लिए कार्रवाई की। ये वसूली सरकार है, भू पे करो और महादेव ऐप चलाओ। 508 करोड़ रुपए भू पे किए और महादेव ऐप चलती रही और यह कांग्रेस का भ्रष्टाचार का सिस्टम है। सागर में भाजपा प्रत्याशी जैन पर गिफ्ट बंटवाने का आरोप, केस दर्ज। सागर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी व विधायक शैलेंद्र जैन पर साहू समाज की धर्मशाला में लोगों को गिफ्ट के रूप में बर्तन बंटवाने का आरोप है। उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। जैन पर आरोप है कि उन्होंने बगैर अनुमति के आयोजित हुए कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों को गिफ्ट बांटे हैं। सागर के रिटर्निंग अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर करीब 3000 लोगों को बर्तन बांटने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार साहू समाज धर्मशाला में शिकायत मिली थी कि भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र जैन की उपस्थिति में गिफ्ट पैकेट में बर्तनों का वितरण किया जा रहा है। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।